जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लकड़ा वाला, यूसुफ लकड़ा वाला। आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहाँ भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता है। क्या नवनीत राणा के संबंध सीधे दाऊद गैंग से जुड़ रहे हैं? क्या नवनीत राणा का कुछ लेना देना दाऊद गैंग से भी है? जी हम नहीं, ये सवाल उठा रहे हैं संजय राउत और इसके जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। नवनीत राणा जो इन दिनों काफी सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है, काफी चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है और देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत से लेकर के संसद की सियासत तक लगातार नवनीत राणा का नाम लोगों की जुबान पर छाया हुआ है। तो नवनीत राणा के क्या क्या जिस तरह से नवनीत राणा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्या उनके संबंध दाऊद गैंग से भी हैं? जी हाँ, वही दाऊद जो इंटरनेशनल डॉन है और पाकिस्तान में उसने शरण ले रखी है और भारत लगातार दाऊद के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई करता रहता है, क्या उसके संबंध दाऊद गैंग से भी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संजय राउत ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया नवनीत राणा पर। नवनीत राणा पर संजय राउत ने आरोप लगाया है कि नवनीत राणा के पुराने हलफनामे, चुनावी हलफनामे को पोस्ट करके उन्होंने उसमें लिखा है, जहां पर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने यूसुफ लकड़ा वाला नाम के एक शख्स से 80 लाख का लोन लिया था और वो शख्स के संबंध सीधे तौर पर दाऊद गैंग से बताए जाते हैं। तो इसी के चलते संजय राउत का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, राजद्रोह तो पहले ही उन पर लगा दिया गया है। इसी के साथ एनएसए लगाने की बात भी शायद शिवसेना की तरफ से की जा रही है, सीधे तौर पर इशारा किया जा रहा है कि एनएसए भी लगाया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने खतरा बताया नवनीत राणा से, जिस तरह से उन्होंने यूसुफ लकड़ा वाला से 80 लाख का लोन लिया और उसके सीधे तौर पर संबंध दाऊद गैंग से बताए जाते हैं, दाऊद गैंग से उसके संबंध है। तो क्या नवनीत राणा के संबंध भी दाऊद गैंग से है? औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर इस बारे में कोई बात नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर है। अभी भी नवनीत राणा पुलिस की हिरासत में है और अभी उनकी हिरासत कब तक खत्म होती है इसके बारे में और उनको कब बेल मिलती है इस बारे में भी कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति भी इससे गरमाई हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति भी इस मुद्दे पर गरमाई हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस बारे में कहना है कि अभी तक भी जांच जारी है। तो वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार जिस तरह सरकार पर हमलावर है, क्योंकि राज ठाकरे कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ी थी नवनीत राणा। हालांकि शिवसेना का राज ठाकरे पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा ने राज ठाकरे हिंदुत्व वाला मुद्दा उनसे छीन लिया, इसलिए राज ठाकरे छटपटा रहे हैं। लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है? क्या इस बारे में सेंट्रल एजेंसियां जांच करेंगी, मुंबई क्राइम ब्रांच जांच करेगी, मुंबई पुलिस जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, कौन इस बारे में जांच करेगा? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे स्पिन 9 न्यूज। नमस्कार। जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, लकड़ा वाला, यूसुफ लकड़ा वाला। आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहाँ भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ा वाला के जिसके जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए थे, वो सबकी जाँच हो गई। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई, क्यों छुपाया गया, नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है, मुंबई के कोई तो बचा रहा है। उससे एक एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है, अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है, अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण करना चाहता था ऐसे लोगों को पकड़कर। उनको पैसा कहाँ से आता है ये भी अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे और जल्दी और बड़े खुलासे होने वाले हैं।